स्टूडेंट्स कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कोर्स में आज हमने कोड जनरेशन सीखना है। तो पहले के लेक्चर्स जब कंपाइलर का डिज़ाइन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कंपाइलर का फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है। फ्रंट एंड इज़ रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर एंड बैक एंड इज़ रिलेटेड टू हार्डवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसके अंदर पार्सर और स्कैनर आ जाता है वो हम पढ़ चुके हैं। जो एरर्स वाला लेक्चर है वो एक्चुअली हमने इसके बाद पढ़ना था लेकिन वो पहले अपलोड कर दिया मैंने, तो आप अपना जो ऑर्डर है उसको ठीक कर लीजिएगा। तो पार्सर और पार्सिंग टेक्निक्स के बाद हमने देखना है कि इंटरमीडिएट कोड कैसे जनरेट होता है, क्योंकि कंपाइलर के डिज़ाइन में आपको दिखाया गया था कि फ्रंट एंड जो है अपना काम कंप्लीट करने के बाद एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है जो कि फिर इनपुट बनती है बैक एंड की। तो वो जो इंटरमीडिएट कोड है वो क्या होता है? व्हेनेवर कंपाइलर जनरेट्स कोड फ्रॉम सोर्स टू टारगेट इट जनरेट्स एन इंटरमीडिएट कोड विच इज़ बिटवीन द सोर्स एंड टारगेट कोड। तो जब आप कंपाइलर से कहते हैं कि हमें मशीन कोड जनरेट करके दो, तो वो एक्चुअली फ्रंट एंड को एग्जीक्यूट करने के बाद एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है और जो कि मशीन इंडिपेंडेंट होता है, जो कि हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होता है और वो किसी भी मशीन पे रन किया जा सकता है फॉर द जनरेशन ऑफ मशीन कोड। तो वो जो इंटरमीडिएट कोड है वो मुख्तलिफ शक्लों का हो सकता है, जिसमें से तीन नोटेशंस आज हम देखेंगे। वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने की? तीन टेक्निक्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, पॉलिश नोटेशन और थ्री एड्रेस कोड। सबसे पहले देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री क्या होता है। एक ही एग्जांपल लूँगी और वो ही आपको तीनों टेक्निक्स के साथ बताऊँगी। एग्जांपल स्ट्रिंग है हमारी ए स्टार माइनस बी प्लस सी। तो इसमें करते हैं हम क्या हैं, जो ये बिल्कुल ऐसे ही है, हमने पहले भी देखा हुआ है जब हम पार्सिंग कर रहे थे तो वहाँ पे भी हम एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री जनरेट करते हैं जिसमें रूट लेवल पे आपका जो ऑपरेटर है और उसके जो ऑपरेंड्स हैं वो उसके चाइल्ड होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से स्टार आ जाएगा और उसके लेफ्ट चाइल्ड ए बन जाएगा और राइट चाइल्ड उसका, यहाँ पे माइनस दिखाया गया है क्योंकि माइनस भी एक बाइनरी ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस जो है निगेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसका लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं। तो माइनस को डायरेक्टली हमने लिंक कर दिया है प्लस के साथ और प्लस का लेफ्ट चाइल्ड बी होगा और राइट चाइल्ड जो है वो सी होगा। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरमीडिएट कोड की जनरेशन के लिए। ये भी बार बार आपको बताया गया था जब हम पार्सर पढ़ रहे थे कि पार्सर की आउटपुट क्या होती है, सिंटैक्स ट्री या फिर जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब फ्रंट एंड की आउटपुट जो है वो पॉलिश नोटेशन भी हो सकती है, ये भी एक आईआर है, एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने की टेक्निक है। इसकी भी इनपुट यही है ए मल्टीप्लाइड मल्टीप्लीकेशन माइनस बी प्लस सी। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इस ब्रैकेट को निकाल देते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाइड माइनस, यानी ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे हम। तो उसके बाद क्या करना है, आपने जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको राइट साइड पर मूव करते जाना है और जितने भी ऑपरेंड्स हैं उनको लेफ्ट साइड पर मूव करते जाना है। तो कैसे करेंगे इसको, जब लेफ्ट टू राइट आप स्कैन करेंगे तो एंड में जो ऑपरेटर होगा उसने उसको आपने राइट पर मूव कर दिया। इसी तरह से यहाँ से आप देखते जाएं तो जब माइनस मिला आपको उसको भी आपने सबसे राइट पर मूव कर दिया और उसके बाद आपको क्या मिला, मल्टीप्लिकेशन का साइन मिला तो उसको भी आपने सबसे राइट पर मूव कर दिया। तो ये है आपकी पॉलिश नोटेशन। नेक्स्ट आईआर जो हमने देखनी है वो है थ्री एड्रेस कोड। थ्री एड्रेस कोड किस तरह से जनरेट होता है, और ये थ्री एड्रेस कोड के हवाले से एक क्वेश्चन भी आया था पास पेपर्स में ऑब्जेक्टिव में। तो ये किस तरह से बनाते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी प्लस सी। इसके लिए आप छोटे छोटे वेरिएबल्स बना लेते हैं, जैसे ये टी वन मैंने लिखा है, टी वन इज इक्वल टू
बी प्लस सी, सबसे पहले कौन सी इम्प्लीमेंटेशन होगी, कौन सी इवेलुएट होगी चीज, ऑब्वियसली पेरेंथिसिस के अंदर है जो बी प्लस सी, तो टी वन में आ गया बी प्लस सी, टी टू क्या होगा, निगेट कर दें टी वन को, ये माइनस वाली चीज सॉल्व हो गई, फिर हमारे पास इधर मल्टीप्लीकेशन की राइट साइड पे एक ऑपरेंड बन गया जो कि है टी टू, तो टी थ्री इज इक्वल टू टी टू यही वाला और मल्टीप्लाइड बाय ए, तो टी थ्री हमारा होगा आंसर। एक और एग्जांपल थ्री एड्रेस कोड की देख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय एफ, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं टी वन ए मल्टीप्लाइड बाय बी, टी टू क्या आएगा सी मल्टीप्लाइड बाई डी और टी थ्री है ई मल्टीप्लाइड बाई एफ। हम सब जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन की जो प्रेसिडेंस है वो सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से हमने सारी मल्टीप्लीकेशन को पहले सॉल्व कर लिया, फिर टी फोर, टी फोर में क्या आएगा, फिर अब लेफ्ट टू राइट इवेलुएशन ऑर्डर होता है, तो इसलिए हमने प्लस टी वन और टी टू को प्लस कर दिया, और उसके बाद टी फाइव के अंदर हमने जो टी फोर में वैल्यू आई थी उसमें से माइनस कर दिया इस टी थ्री को जो कि है ई मल्टीप्लाइड बाई एफ, और एंड के एंड में क्या होगा टी फाइव इवेलुएट हो जाएगा किसको, एक्स को। तो टी वन टी टू टी थ्री टी फोर एंड टी फाइव आर कंपाइलर जनरेटेड टेम्परेरी नेम्स, कंपाइलर ने इनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए या इनको आई आर बनाने के लिए टेम्परेरी नेम्स रखे हैं टी वन टी से लेके टी फाइव तक। तो ये अभी जो डिस्कशन हमने की है ये किस बारे में थी, कि जब भी कंपाइलर सोर्स टू टारगेट कंपाइल करता है तो दरमियान में एक आई आर जनरेट करता है, उसकी कौन कौन सी टेक्निक से आई आर जनरेट करने की। नेक्स्ट हमने देखना है कोड जनरेशन क्या होती है, तो सिंपल कोड जनरेशन का मतलब यह है कि मशीन कोड जनरेशन। तो द कोड जनरेशन प्रॉब्लम इज द टास्क ऑफ मैपिंग इंटरमीडिएट कोड टू मशीन कोड, यानी अब हमने वो जो हमें आई आर मिली है उसको लेके हमने किस में चेंज कर देना है, मशीन कोड में, जो कि फिर मशीन डिपेंडेंट चीज बन जाएगी, या फिर जो आप यूं कह लें कि वो बैक एंड का काम है, हमने फ्रंट एंड से रिलेटेड काम इंटरमीडिएट कोड जनरेशन तक कर लिया है। द जनरेटेड कोड मस्ट बी करेक्ट फॉर ऑब्वियस रीजंस, अब एक चीज को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसका मीनिंग वही रहना चाहिए जो कि इनिशियली सोर्स कोड का था। इट शुड बी एफिशिएंट बोथ इन टर्म्स ऑफ मेमोरी स्पेस एंड एग्जीक्यूशन टाइम, तो एफिशिएंट होना चाहिए आपके कोड को तीन चीजों के लिहाज से कम मेमोरी इस्तेमाल करे, कम से कम स्पेस इस्तेमाल करे, और एग्जीक्यूशन टाइम भी उसका कम से कम हो। द इनपुट टू द कोड जनरेशन मॉड्यूल इज इंटरमीडिएट कोड एंड इट्स टास्क इज टू प्रोड्यूस आइदर मशीन कोड और असेंबली लैंग्वेज कोड। तो कोड जनरेशन हम किसको कहते हैं कि आईआर इनपुट लेके क्या जनरेट करें, या मशीन कोड जनरेट करें या फिर असेंबली लैंग्वेज का कोड जनरेट करें। द कोड जनरेशन मॉड्यूल हैज टू टैकल अ नंबर ऑफ इश्यूज, अच्छा अब ये इस किस्म के इश्यूज हमने कुछ पहले भी डिस्कस कर लिए हुए हैं, तो कोड जनरेशन के इश्यूज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता होता है पेपर में कि कौन से इश्यूज हैं जो कि कोड जनरेशन में हायल है। एक दफ़ा तो सिर्फ मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में ही एक क्वेश्चन आ गया था कि मेमोरी मैनेजमेंट किस तरह से हो सकती है कोड जनरेट करते वक्त। मेमोरी मैनेजमेंट के क्या इशू है जी, मैपिंग नेम्स टू डेटा ऑब्जेक्ट्स इन द रन टाइम सिस्टम, रन टाइम के दौरान जब मैपिंग हो रही होती है डेटा ऑब्जेक्ट्स और नेम्स की तो उसमें मसाइल आ जाते हैं। इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन टू चूज टू इनकोड इंटरमीडिएट कोड स्टेटमेंट्स के, हम कौन सी इंस्ट्रक्शंस उठाएं असेंबली लैंग्वेज की ताकि हम इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर पाए। इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग सिलेक्शन की प्रॉब्लम है और उसके बाद इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग की प्रॉब्लम है कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सिलेक्ट की जाएं जिससे हार्डवेयर स्टॉल्स अवॉइड की जा सके, इफेक्टिवली रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा सके। रजिस्टर एलोकेशन का अगला मसला है, क्योंकि हम सबको पता है कि रजिस्टर्स जो हैं वो बहुत ही एक छोटी सी मेमोरी लोकेशन होती है और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसके अंदर
हमें रजिस्टर्स को इस्तेमाल भी करना पड़ता है, ऐड मल्टीप्लाई जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए, टू ऑपरेंड्स वाले ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए। तो इस वजह से रजिस्टर्स का इस्तेमाल भी हमें इफेक्टिवली करना चाहिए। तो लिमिटेड इस वजह से इन लिमिटेड रजिस्टर्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आगे एक एग्जांपल है कि आप इंटरमीडिएट कोड से असेंबली लैंग्वेज का कोड किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तीन एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ए इज इक्वल टू बी, तो क्या उसमें आप करेंगे, सिंपल है, मूव कर दो बी कॉमा ए, यानी कि जो भी बी में वैल्यू पड़ी हुई है उसको ए में मूव कर दो। ए इज इक्वल टू बी ऑफ सी, क्या मतलब हुआ, एरे बी की सी लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको ए में मूव करना हमने। तो सबसे पहले पहले क्या होगा, मूव करो एड्रेस ऑफ बी को एक R0 रजिस्टर में, ठीक है, तो ऐड करो फिर उस एड्रेस में सी, ऐसे ही होता है ना, सी इज द इंडेक्स, बी इज द एरे, तो बी जो इनिशियल मेमोरी लोकेशन होगी वो बी में पड़ी होगी, तो जो वैल्यू हमने उठानी है वो प्लस करके इंडेक्स नंबर जो कि सी में पड़ा हुआ है तो ऐड कर दिया उसमें। उसके बाद वो कह रहा है कि मूव कर दो R0 का पॉइंटर, यानी इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो उसको ए में मूव कर दो। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है A इज इक्वल टू बी प्लस सी, मूव बी कॉमा ए, यानी ए के बी के कंटेंट्स को ए में मूव कर दो और ऐड कर दो सी कॉमा ए, सी की वैल्यू को ऐड कर दो ए की वैल्यू में और जो जो रिजल्ट है वो किस में स्टोर हो जाए, ए में स्टोर हो जाए। तो आज हमने सीखा कि इंटरमीडिएट कोड कैसे जनरेट करते हैं और मशीन कोड जनरेशन किस तरह से होती है। दैट्स इट फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।